प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में आप लोग एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान फेस करते हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स टाइम इज वेस्टेड. बहुत सारा टाइम स्टूडेंट्स का वेस्ट होता है. और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेटा हमारा बहुत सारा वेस्टेज ऑफ टाइम ऐसा है जिसको कहते हैं नॉनसेंस लॉस ऑफ टाइम. नाउ व्हाट इज नॉनसेंस लॉस ऑफ टाइम? कि आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है लेकिन आप उसको रियलाइज भी नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आप घर से तैयार होते हैं, सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप समझते हैं तैयारी वाला टाइम मेरा वेस्ट नहीं हुआ. आप ट्रैवल करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, आपके अंदर ट्रैवलिंग टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ. लाइक इसी तरह से बैठ के वहां पे टीचर का इंतजार करते हैं, आप कहते हैं ये भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ. आपके माइंड में आता ही नहीं है कि ये टाइम वेस्ट है, राइट? यू थिंक, यू नेवर थिंक लाइक दैट. या बट यस, न्यूट्रली, क्योंकि मैं न्यूट्रल थिंकर हूं, आई डेफिनेटली थिंक लाइक दैट. तो इसमें टाइम वेस्टेज जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बहुत सारा टाइम बच्चे जानबूझ के वेस्ट करते हैं लेकिन 50% या इससे भी ज्यादा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, दैट इज नॉनसेंस लॉस ऑफ टाइम. मैं कहता हूं कि अगर नॉनसेंस लॉस ऑफ टाइम को मिनिमाइज करके सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ा लिया जाए डेली बेस पे, तो इवन इसी फैक्टर से काफी सारे स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल हो जाए, राइट? सो इसमें अब हम टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं. टॉप ऑफ द लाइन, गेटिंग रेडी फॉर गोइंग टू अकेडमी. जब अपने अकेडमी को जो उसके लिए उठ के आपने तैयार होना, ऑफ कोर्स इट मे टेक 15 मिनट्स, हाफ आवर, राइट? आई डोंट नो अबाउट द फीमेल्स, मे बी 2 आवर्स. ओके, एंड सेकेंडली ट्रैवलिंग. ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग है, जैसे अभी जिक्र भी किया सर ने कि फीमेल्स के लिए तो वैसे बिग टाइम प्रॉब्लम है. और भी स्टूडेंट्स जो गाँव से आते हैं, दे हैव टू ट्रैवल अबाउट. इमेजिन करें एक स्टूडेंट को जिसने 10 से 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है और एकेडमी में पहुंचना है और फिर उसने वापस आना है, फिर उसको वापस आके रेस्ट टाइम भी चाहिए, राइट? सो ट्रैवलिंग इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम. एंड थर्डली, जो स्टूडेंट्स विलेजेस से निकल के, स्मॉल टाउन से निकल के वो बड़े सिटीज में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में जाने का मतलब ये है कि स्ट्रेट अवे आपने अपना 60% टाइम वेस्ट कर दिया है. मीन्स कि वहां जाके आपने ऑफ कोर्स नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, रोज उनके साथ आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आने, और उसके बाद फिर मील्स के प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग रेडी, कभी लाइट नहीं है. सो यू कीप ऑन फेसिंग इश्यूज. तो वो इश्यूज जो कि एक्चुअली आपके इश्यूज होने ही नहीं चाहिए थे, राइट? आप उन सारे इश्यूज को फेस करते रहते हैं और आपकी जो प्रेपरेशन है बैटरी जेपराडाइज हो जाती है, राइट? सेल्फ स्टडी आप नहीं कर पाते, आपको कोई कंसर्ट, आपको कोई फोकस एनवायरमेंट ही नहीं मिलता, कोई अच्छा एनवायरमेंट ही नहीं मिलता जहां पे आप जाके कंसंट्रेट कर पाए, राइट? सो हॉस्टल के अपने इश्यूज हैं. उसके बाद फिर वेटिंग फॉर टीचर्स इन द क्लासरूम. जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आप चले भी गए हैं तो अब मे बी टीचर 10 मिनट लेट है, 15 मिनट लेट है, तो सारा टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा. आप इतने एक्यूरेट तो नहीं है कि आपको अंदर से 5 मिनट भी मिलते हैं, उन 5 मिनट्स को भी आप बड़ा इफेक्टिवली यूज करना चाहेंगे, यू नो, यू वेस्ट टाइम. और उसके बाद फिर नेक्स्ट, टीचर लीव्स. ऑफ कोर्स इट्स आल्सो बिग प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वन लीव तो मैंडेटरी होती है मंथ में, लेकिन इससे ज्यादा भी समटाइम्स हो जाती है. गॉड फॉरबिड कोई अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो जाए, स्टिल देयर आर लीव्स एंड आपका टाइम वेस्ट होता है. लाइक अगर एक टीचर ऑफ पे है, एक लेक्चर क्लास में नहीं होगा, अगर 80 स्टूडेंट्स की क्लास है तो 80 आवर्स मैरिनेशन के वेस्ट हो गए. दिस इज हाउ वी थिंक, राइट? सो इसमें टीचर लीव बिग टाइम प्रॉब्लम है. सिमिलरली फास्ट वी आर नॉट एनेबल्ड. कि रियल वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपकी फास्ट रिवीजन को एनेबल नहीं किया जाता. और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे जो मेजर चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यू शुड बी एबल टू रिवाइज फास्ट. क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिया जिसमें 8 किताबों को इकट्ठा आपसे टेस्ट किया जाए. सो दिस इज द ओनली एग्जाम, फर्स्ट टाइम आप इसको फेस करेंगे अपनी लाइफ में, राइट? आप जस्ट इमेजिन करें कि कल आपका सिर्फ फिजिक्स का बुक 1 का पेपर हो, आपके साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर होगा. और जस्ट इमेजिन करें कि कल आपका 8 सब्जेक्ट 8 बुक्स का टेस्ट है, और टेस्ट है भी ज्यादा डेप्थ में, है भी डिफिकल्ट, और उसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ भी बेस कर रही है. जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ स्ट्रेस एट दैट टाइम, राइट? सो और इसमें खास तौर पे अगर आपने वेरी अर्ली ऑन इस फैक्ट को रियलाइज ना किया और अपने आप को इसके लिए शुरू से ही अभी से कैलिब्रेट ना किया, तो ऑफ कोर्स यू विल फेस प्रॉब्लम्स. आपको भी जिस स्ट्रेस का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको भी गॉड फॉरबिड वो स्ट्रेस फेस करनी पड़ेगी.
right? So fast अभियान is not enabled, ये भी big time problem है, right? और बच्चे slowly study करते हैं, इसमें भी उनका बहुत सारा time waste होता है, and then students miss lectures and tests because of practicals. ये natural सी बात है, आप second year के students हैं, तो आपकी entry test की तैयारी के दौरान ही कभी आपके practicals आएंगे, right? तो उस of course you cannot miss them as well. तो आपके बहुत सारे टेस्ट भी मिस होंगे, लेक्चर्स मिस होंगे, और अल्टीमेटली यू हैव गॉट नो वे कि दोबारा टीचर वो लेक्चर दे दे या वो उन टेस्ट को दोबारा दे ले. और कई दफा दरमियान में ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं जिनके बगैर सब्जेक्ट में आगे चला ही नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल सेल बायोलॉजी अगर आपने मिस कर दी है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट? सो सच थिंग्स ऑल्सो हैपन. सो ये है प्रॉब्लम नंबर वन. मैंने क्या बताया कि प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स टाइम इज वेस्टेड. अब एग्री करते हैं कि काफी सारा टाइम हमारा वेस्ट होता है, राइट? रेज हैंड्स. कितने स्टूडेंट्स जो एग्री करते हैं, राइट? कि ये देखिए, ये वो टाइम वेस्टर्स हैं जिनके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था जनरली. अच्छा, ये इस तरीके से इनके बारे टाइम वेस्ट होता है, राइट? ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है, और वो क्या है? कॉस्ट इज ट्रेमेंडसली हाई. इतनी हाई कॉस्ट है कि बहुत सारे लोगों के लिए उस कॉस्ट को बियर करना इम्पॉसिबल है. बहुत सारे स्टूडेंट्स, एबल एंड कैपेबल स्टूडेंट्स, सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते कि दे कैन नॉट बियर द फी, राइट? तो उसमें अब देखें कि कन्वेंशनली जो ट्यूशन फी होती है एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, अगर हम बात करें एमडी कैट के सेशन की या ई कैट के टिपिकल सेशन की, तो डिफरेंट रियल वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में 30,000 से 40,000 रुपया जस्ट ट्यूशन फी होती. उसके बाद फिर बुक्स की और दूसरे स्टडी रिसोर्सेज की एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, राइट? और उसके बाद फिर डेली ट्रेवलिंग कॉस्ट भी होती है, और इवन अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल की लिविंग कॉस्ट है, राइट? सो ये ओवरऑल आप कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा अपने सिटी में रह के एंट्री टेस्ट की तैयारी करता है तकरीबन उसको 50,000 to 60,000 में पड़ती है. अगर वो हॉस्टल में मूव कर जाता है तो 1,00,000 से 1,20,000 रुपये में तैयारी पड़ती है. और जस्ट इमेजिन करें उस फादर के बारे में जो एक स्कूल टीचर है, उसके दो बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसकी पूरे साल की सैलरी चली जाएगी, राइट? सो कॉस्ट इज टू डैम हाई, ट्रेमेंडसली हाई. सो बिग टाइम प्रॉब्लम हमने रियलाइज किया, कॉस्ट इज वेरी हाई, राइट? एंड थर्डली, और नो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस. भाई पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एक क्लास में मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि स्टूडेंट्स की कई कैटेगरीज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं विद डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, डिफरेंट वीकनेसेस एंड ऑल दैट. और उस सारे के साथ अगर हम सबको अगर हम एक ही तरीके से ड्राइव करेंगे, क्या ख्याल है क्या हम सबसे बेस्ट आउटपुट ले लेंगे? नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल. किसी एक स्टूडेंट से हम बेस्ट आउटपुट कब ले सकते हैं? जब हम उस स्टूडेंट को समझ के उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए, या उसका स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हुए जब हम उसको कैरी करते हैं, देन वी एक्चुअली एनेबल दैट स्टूडेंट के वो रियल टाइम सक्सेस को गेन करें, राइट? ट्रू सेंस में. बाकी ठीक है, जो स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होते हैं, एक टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सर्ट करते हैं, सेकेंडली दे आर लकी इनफ कि समहाउ सिस्टम्स उनको कुछ सपोर्ट कर जाते हैं. ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होते, स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गेन सक्सेस, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सर्शन एंड समटाइम्स दे आर लकी एंड मेनी टाइम्स समवन बैक एंड पे उन पे फोकस कर रहा होता है. कोई बड़ा बहन भाई है मेडिकल कॉलेज में, कंटीन्यूअसली उनको कैरी कर रहा है साथ, लेकिन हर स्टूडेंट इतना लकी नहीं है, राइट? सो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं. इसमें मैं फर्दर इसको एलैबोरेट भी करूंगा. टॉप ऑफ द लाइन कैन नॉट फिट अराउंड द लाइफस्टाइल ऑफ ईच स्टूडेंट. हर स्टूडेंट का अपना लाइफस्टाइल है. एक स्टूडेंट है जो इवनिंग टाइम पे पढ़ता है और उसकी हैबिट ही ये है कि मैंने 11 बजे सो के उठना है. जस्ट इमेजिन करें कि सुबह उसकी 6 बजे एंट्रेंस की क्लास लगा दें आप. इट कैन नॉट फिट इन द सिनेरियो. आपको पता है कि इवनिंग इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, राइट? सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि रियल वर्ल्ड जो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन है, इट कैन नॉट फिट अराउंड द लाइफ स्टाइल ऑफ ईच स्टूडेंट. और उसके बाद भी कैन नॉट फिट अराउंड द लर्निंग स्टाइल ऑफ ईच स्टूडेंट. अब डिफरेंट स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट है. कोई विजुअल लर्नर होता है, पिक्चर्स फोटोग्राफ्स को देख के ज्यादा समझता है. कोई ऑडिटरी लर्नर होता है, वो एक ही लेक्चर को बार बार सुन के ज्यादा समझता है, राइट? कोई चाहे वो टेक्स्ट बुक की मल्टीपल रीडिंग से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करता है. तो आप इवन नेट पे टेस्ट भी अवेलेबल है, आप इवन अपने टेस्ट वहां पे जाके ऑनलाइन दे सकते हैं और आप खुद अपने बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप किस किस्म का लर्नर है, राइट? सो जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में इस चीज को इंश्योर ही नहीं किया जाएगा कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके मुताबिक ही आपको कैरी किया जाए. और उसके बाद फिर
यानी कि सादा लफ्जों में अगर आप लेक्चर सुन के ज्यादा रिटेन करते हैं, रियल वर्ल्ड में कोई भी एकेडमी ऐसी नहीं होगी जो आपको आपके लेक्चर दो दफा या तीन दफा दे दे, राइट? बट दैट विल हैपन इन टॉप ग्रेड. क्या एग्जांपलीफाई किया मैंने, सिमिलरली मेनी अदर फीचर्स. इसके बाद फिर मोस्ट ऑफ द एकेडमिक कंटेंट इज नॉट रीयूजेबल एज पर नीड ऑफ द स्टूडेंट. मिसाल के तौर पर टीचर ने एक दफा लेक्चर डिलीवर कर दिया, आपने नोट कर लिया, वेल एंड गुड. नहीं नोट किया, स्टिल इट्स गॉन. आपने नोट किया, बाद में आपको ये नहीं याद आ रहा जो मैंने नोट किया, यहाँ पे टीचर ने बताया क्या था, राइट? अगेन इट्स गॉन. सिमिलरली बार बार बच्चे कहते हैं एकेडमीज वालों को कि सर हमें एक टेस्ट घर ले जाने थे, हमने घर ले जाकर पढ़ना होता है, बट नो वन अलाउज यू. कुछ टेक होम असाइनमेंट्स दे देते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम टेस्ट है यू कैन नॉट टेक एट योर होम. एक अच्छा स्टडी रिसोर्स अगर है भी तो आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं है घर में. आप उससे फायदा लेना चाहते हैं, आप टेस्ट को साथ रख के आप किताब पढ़ना चाहते हैं जिससे शायद आपकी बेस्ट प्रेपरेशन होगी उस टॉपिक. दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? आप रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते. इसी तरह से प्रेपरेशन इज नॉट स्केलेबल. आप तैयारी करते जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि मेरी तैयारी कितने परसेंट हो गई. अच्छा, मैं आपसे अगर एग्जैक्ट मुझे बताएं फिजिक्स कितना परसेंट आपकी हो गई, राइट? केमिस्ट्री कितना परसेंट होगी, या अच्छा आपके कितने टॉपिक्स हैं तो कितने टॉपिक्स आपके रह गए. क्या मुझे आप में से एक बच्चा, कोई भी बच्चा बता सकता है कि फिजिक्स में से हमारे टोटल इतने टॉपिक्स हैं, इसमें से मेरे 78 टॉपिक्स पढ़ने? नो वन कैन टेल, राइट? स्केलेबल नहीं है. एफएससी में मेबी इट वर्क्स, लेकिन ये जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, आई विल शो यू, इट गिव यू द रियल टाइम स्टैट्स, योर स्टैट्स. ये भाई ये आपके अहम तीन डिजिट्स हैं, इनके ऊपर नजर रख के अपने एफर्ट्स को आगे लेके चलो, राइट? सो प्रेपरेशन रियल वर्ल्ड में तो स्केलेबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. आपको तो ये भी नहीं पता होता आज की तारीख में कि अगर महीना रह गया, इस एक महीने में कितने मेरे टेस्ट होने हैं, कितने डिस्कशंस होनी है, कितने लेक्चर होने हैं. यू डोंट नो एट ऑल. बस आप कह रहे हैं कि आपकी आंखों पे पट्टी एक बंधी हुई है, आपको कोई पकड़ के साथ लेके जा रहा है, बस ठीक है जी. एंड एकदम से आपके सामने सरप्राइज आना, लो भी देख लो एंट्री टेस्ट आ गया, एंड यू आर फेल और सक्सेसफुल, दैट्स योर फेट. दैट्स व्हाट हैपेंस विद यू. रियलाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है? बिकॉज मैं हो चुके एक गुड स्टूडेंट हूँ, राइट? आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम द वर्स्ट स्टूडेंट टू द बेस्ट स्टूडेंट. पहले मैं वर्स्ट स्टूडेंट था, मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के लिए मैंने रिसर्च की, उन सबको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते आई टर्न आउट टू बी द बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? सो डिफरेंट कंट्री लेवल के एग्जाम्स में आई हैव गेट पोजीशंस. और मुझे पता है कि बैड या वर्स्ट स्टूडेंट होना कैसा होता है, मुझे ये भी पता है कि बेस्ट होना कैसा होता है, राइट? सो आई एम टेलिंग यू कि प्रेपरेशन आपकी स्केलेबल नहीं. और उसके बाद फिर paying individual attention to each student is out of question. जैसे मैंने बार-बार जिक्र कर रहा हूँ कि आप कहें जी कि एकेडमी में सारे के सारे टीचर्स आपके ऊपर इंडिविजुअली फोकस करें, या कोई काउंसलर हो जो डेली बेस पे आपको 15-20 मिनट आधा घंटा दे और आपकी तैयारी को देख देख बताता जाए ये हो गया, ये रह गया, यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो, ये सब्जेक्ट वीक है, ये चैप्टर वीक है, ये टॉपिक वीक है. नो वन टेल्स, राइट? दिस इज अगेन अ बिग टाइम प्रॉब्लम. सो ये हमने थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं. और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, टेस्टिंग सिस्टम इज फुल ऑफ फ्लॉस. एक बहुत मेन चीज जिसके ऊपर एंट्री टेस्ट का बच्चा रिलाई करता है एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, वो टेस्ट है. और रियल वर्ल्ड एकेडमीज में जो टेस्ट है ये फुल ऑफ फ्लॉस है. फुल ऑफ फ्लॉस किस सेंस में, कि वो आपकी एग्जैक्ट एग्जाम नीड्स को मीट नहीं कर पाते, राइट? मैं आपको जैसे जस्ट एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बताता हूँ. अब इमेजिन करें कि आपने एक सब्जेक्ट के टेस्ट दिए हैं, से आपने केमिस्ट्री बुक वन के सिलेबस के 10 टेस्ट दिए, और हर टेस्ट में आपकी मे बी 10 से 15 की एवरेज मिस्टेक्स हैं 60 क्वेश्चंस में, जस्ट इमेजिन. और वो जो 10 से 15 मिस्टेक्स आप करते चले आए हैं, और वो लाजमी नहीं है कि उन मिस्टेक्स को साथ साथ आपने रेक्टिफाई करके लर्न भी कर लिए, और उन टेस्टों को दोबारा आपसे लिया भी नहीं जाना. अगर ले भी लिए जाए सेकेंड टाइम, अगर 60 क्वेश्चंस का टेस्ट है, अगर उनको ले लिया जाए 60 क्वेश्चंस के टेस्ट को दोबारा भी ले लिया जाए, तो आप दोबारा फिर 60 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर दोबारा आपके मे बी पहले 15 गलत हुए थे, 10 फिर गलत हो जाए. तो अब अगेन आपके पास अपनी वीकनेसेस को एड्रेस करने के लिए कोई स्ट्रेट पाथवे नहीं है. या सादा लफ्जों में मैं ये कहता हूँ कि कोई सिस्टम इस वक्त ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता वर्ल्ड में जो आपको आपके प्रीवियस टेस्टों में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट चैप्टर टॉपिक अगेंस्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस का टेस्ट क्रिएट करके दे दे. ये स्ट्रेंथ सिर्फ टॉप ग्रेड डॉट के पास, राइट? दिस इज द ओनली सिस्टम. क्या अभी मैं आपको बताता हूं, बल्कि दिखाता हूं कि हाउ डज इट ऑल वर्क, राइट? तो टेस्टिंग सिस्टम फुल ऑफ फ्लॉज है. अब मैं इन फ्लॉज को दोबारा फिर हाईलाइट करता हूं. यू सी हियर, एक्सपोजर विद लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एक रियल वर्ल्ड एकेडमी को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अगर मैक्सिमम टेस्टिंग भी वो करेंगे ना,
तो 3 मंथ्स के टेन्योर के अंदर आपसे 5,000 से 6,000 क्वेश्चंस के टेस्ट ले सकेंगे, राइट? मैक्सिमम अगर मैक्सिमम पेस बहुत सारी एकेडमीज 2,000-3,000 पे जा रही होगी, तो टाइम कंस्ट्रेंट है क्योंकि लिमिटेड टाइम में डेली 1 घंटा टेस्ट का सिर्फ होना है और टेस्ट की डिस्कशन भी होनी है, गिने हुए लेक्चर जी 24 लेक्चर्स में ये खत्म करना है, 10 लेक्चर्स में ये खत्म करना है, वो कैलकुलेटेड है बहुत चीज और हर चीज बिल्कुल जैम पैक्ड है, फ्रोजन है, राइट? तो इसमें अब जो टॉप ग्रेड में जो एक्सपोजर है क्वेश्चंस का, लाइक वैलियर वर्ड में क्या बता रहा हूँ, मे बी 3,000 to 5,000 की रेंज में, 6,000 की रेंज में, बहुत ज्यादा अलग होगा। टॉप ग्रेड में हमने डिफरेंट कोर्सेज इंडक्ट किए हैं, 1 लाख से ऊपर का हमारा क्वेश्चन बैंक है, रियल टाइम स्टैट्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तकरीबन 1.25 लाख के करीब एमसीक्यूज रीड कर चुके हैं इसमें हम। अगर आप किसी एक कोर्स को ले लें, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर आप इसका एमडी कैट का अगर आप कोर्स ओपन करेंगे तो मोर देन 17,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट वे काउंट मिलेंगे, राइट? और स्टूडेंट सक्सेस ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अ स्टूडेंट अटेम्प्ट। किताबों की रीडिंग सिंपल रीडिंग्स पे नहीं करते, जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ये चीज ने पे करना। एंट्री टेस्ट में तैयारी का एक बड़ा सुनहरा उसूल है, वो उसूल ये है कि एंट्री टेस्ट के सवाल में गलती होनी ही होनी, ये बड़ा सुनहरा सवाल मैं बताने लगा हूं आपको। एंट्री टेस्ट के सवाल में गलती होनी ही होनी है, वो गलती आप पहले तैयारी के दौरान कर लें या आप एग्जाम में जाकर करें। सो बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स इन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द प्रेपरेशन। और आप गलतियां कैसे अपनी सारी जांच पाए अगर आपके पास क्वेश्चन एक्सपोजर लिमिटेड। सो सिंपली अब दो स्टूडेंट्स को अगर कंपेयर करें, दोनों ने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा है, मे बी टेक्स्ट बुक्स को दो दो रीडिंग्स दी हैं, एक बच्चे ने 5,000 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, दूसरे बच्चे ने 20,000 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, नो डाउट के 20,000 वाले का स्कोर आना ही आना है। उसने इतनी सारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, उसने उनको रेक्टिफाई कर लिया, उसका स्कोर आना ही आना है, अनस्टॉपेबल इस सेंस में, राइट? तो ये बिग टाइम डिफरेंस है। सो रियल वर्ल्ड एकेडमी का प्रॉब्लम क्या है, एक्सपोजर विद लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। Secondly, test creation according to need of each student is not possible. जैसे मैंने पहले जिक्र भी किया, incorrect questions का test create नहीं होगा। कोई भी academy ऐसे नहीं है, आप कहते हैं जी मैं इस वक्त मैंने ये 4 chapter तैयार किए हैं, इन 4 chapters में से प्यास के entry test में जो जो past question आए हैं मुझे सिर्फ उन past questions का test बना के दे दो। आपकी अपनी ऐसे मर्जी के मुताबिक कोई system आपको test नहीं देगा। आप कहते हैं जी मैंने एमडी कैट का एग्जाम देना है, तो एमडी कैट के बायो के पूरे सिलेबस में से जितने भी पास क्वेश्चंस हैं मुझे उसका टेस्ट दे दें, या बायो के सिर्फ सेल बायोलॉजी में से मुझे एक टेस्ट दे दें पास क्वेश्चंस का सिर्फ, राइट? या इनकरेक्ट का टेस्ट दे दें। सो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली कोई भी सिस्टम टेस्ट क्रिएट नहीं करता। आप जस्ट इमेजिन करें कि जैसे आप सोचें वैसे आपसे टेस्ट ले लिया जाए, और साथ साथ आपको बताते रहे, आप तैयारी भी अपनी मर्जी से कर रहे हो, साथ हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हो कि अब ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ठीक है? इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव एंड सजेस्टिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है, वरन हमारा सिस्टम प्रेडिक्टिव एंड सजेस्टिव है। आई विल शो यू इन शॉर्ट पॉइंट। सो टेस्ट क्रिएशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ईच स्टूडेंट पॉसिबल ही नहीं। उसके बाद फिर नो एक्सेस टू टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस, जैसे मैंने अभी बात की। फिर मार्किंग एंड डिस्कशन ऑफ टेस्ट इज सिग्निफिकेंटली डिलेड। अब जस्ट इमेजिन करें, एक टेस्ट आपने पहले कल उसका लेक्चर हुआ, आज आपने टेस्ट दिया और उस टेस्ट की डिस्कशन आज से 4 दिन के बाद हुई, तब आप मे बी 2 chapter और आगे जा चुके होंगे। तो बेस्ट टाइम तो था कि अभी आपको पढ़ाया जाए, टेस्ट लिया जाए, डिस्कशन कराई जाए, स्ट्रेट अवे सारे इनलाइन प्रॉब्लम्स आपके रेक्टिफाई हो जाए, और अगर आपको दोबारा जरूरत महसूस हो फिर पढ़ाया जाए, फिर टेस्ट, फिर डिस्कशन, यानी कि साइकिल में आपको तब तक चलाया जाए जब तक आप परफेक्ट ना हो। कितनी खूबसूरत बात है ये वाला, हो सकता है ना ये वाला, अगर ऐसा हो तो ये आइडियल सिनेरियो है, लेकिन रियल वर्ल्ड ऐसा कर नहीं सकती, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लॉजिस्टिक्स ये चीज अलाउ नहीं करती, राइट? तो मार्किंग एंड डिस्कशन ऑफ टेस्ट सिग्निफिकेंटली डिलेड है। अभी हम जो सिस्टम की बात करेंगे उसमें अभी आपको पढ़ाएंगे, अभी टेस्ट लेंगे, अभी डिस्कशन कराएंगे, जरूरत होगी दोबारा पढ़ा देंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर डिस्कस कराएंगे, अंटिल यू परफेक्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? उसके बाद फिर स्टूडेंट्स डोंट हैव फैसिलिटी टू व्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच क्वेश्चन साइड बाय साइड। अब आप इमेजिन करें, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो सवाल भी आपका गलत हो या जिस क्वेश्चन पर भी आपको डाउट हो, आप आपके पास ये फैसिलिटी आ जाए कि अभी मैं हैंड रेज करके टीचर से इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता हूं, सर ये कैसे हल हो, साइड बाय साइड, जस्ट इमेजिन करें हाउ वंडरफुल वुड इट बी, राइट? तो लेकिन रियल वर्ल्ड में आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेनेशन तक दिखा दे। और उसके बाद फिर
Students cannot review all previous tests taken by him or her. अगर आपका दिल करता है कभी, भाई मैंने आज तक जितने भी टेस्ट दिए हैं ना, maybe मैंने 100 टेस्ट दिए हैं, 150 टेस्ट दिए हैं, मैंने उन सारे टेस्टों को एक दिन बैठ के सिर्फ उन टेस्टों को ही रिवाइज करना है, right? और वो टेस्ट भी समझ लेके मार्क किए हुए टेस्ट, आपके ये सही हुए थे, ये गलत हुए थे, इनको आपने निशानी लगाई थी, वो आपके मार्क किए हुए टेस्ट आपके पास पड़े होंगे और उस सारे के सारे टेस्ट का फाइल पड़ा और आप रैपिडली उनको रिवाइज करना चाहें, रियल वर्ल्ड अकेडमी कोई भी आपको ये अलाउ नहीं करता, राइट? बट आवर सिस्टम इट अलाउज, अगेन ये बिग टाइम प्रॉब्लम। फिर स्टूडेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई वीक सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। क्या कोई भी तरीका का नहीं है कि आप वीक सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन हमारा सिस्टम आपको अलाउ करता है आप अपनी वीकनेसेस को पिन पॉइंट कर सके। सो बहरहाल ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम था, क्या कि टेस्टिंग सिस्टम फुल ऑफ फ्लॉज है। देखिए मैंने आपको वो फ्लॉज दिखाए हैं जो आपको पहले कभी नजर नहीं आए थे, ऐसे ही है ना, ये वो फ्लॉज है जो कि जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, अच्छा ये फ्लॉज है, दे कैन बी इंप्रूव्ड। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखें कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन इज हाईली वेरिएबल। अब ये यकीनी नहीं बनाया जा सकता कि आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, आप सारे के सारे टीचर्स के साथ, टेस्टों के साथ, मेथोडोलॉजी के साथ, हर चीज के साथ आप सेटिस्फाई हो, और इस चीज को भी यकीनी नहीं बनाया जा सकता रियल वर्ल्ड में। अगर एक स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम आया है उसका भी सोल्यूशन सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया जाए, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज पॉसिबल और हमने ये मुमकिन बना के छोड़ा है, राइट? तो इसमें आप देखें स्टूडेंट्स क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। नंबर वन, ऑल टीचर्स आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सारे के सारे टीचर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लाइक कन्वेंशनल अकेडमीज में क्योंकि अच्छे टीचर्स की कमी है, राइट? अच्छे टीचर, एक ग्रेट टीचर वो डेज में नहीं बनता, इट टेक इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इयर्स ऑफ गाइडेंस एंड इयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक अ ग्रेट टीचर, राइट? तो अब सारे के सारे टीचर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, और जो टीम्स भी बनती हैं, आई नो आई हैव रन सो मेनी सिस्टम्स, इवन कंट्री वाइड सिस्टम्स को रन किया है, हम टीम्स ऐसे ही बनाते हैं, चलो जी हमारे ये हार्डेस्ट प्लेयर्स हैं, ये वाले हमारे मीडियोकर प्लेयर्स हैं, ये थोड़े लो स्ट्रीम प्लेयर्स हैं, तो हर टीम को बैलेंस करो, राइट? शायद अफरीदी भी होना चाहिए, यूनुस खान भी होना चाहिए, और एक और मिसबा भी डालना, राइट? तो दैट्स हाउ वी बैलेंस आउट द टीम्स, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन द रियल वर्ल्ड, राइट? तो सारे टीचर्स जो हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है कि मेरी इंग्लिश की सब चीजें ठीक जा रही हैं, इंग्लिश नहीं ठीक जा रही, और इंग्लिश को लेकर वो टेंशन में पड़ा रहता है, बाकी सब्जेक्ट्स भी डिस्टर्ब कर बैठा। फिर टीचिंग क्वालिटी डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ टीचर्स वेल, अगर आपका टीचर अपनी वाइफ से लड़के आया बैठा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, राइट? आप कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज से, ऑफ कोर्स वो टीचिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी उस दिन, अगेन सिंपल सिंपल फैक्ट, बट दिस इज रियलिस्टिक एज वेल, ये रियलिस्टिक भी है, प्लीज बी अटेंटिव। और उसके बाद फिर स्टूडेंट काउंट क्लासेस में बहुत हाई है, ओके, सो वेरी हाई स्टूडेंट काउंट इन क्लासेस। अगर क्लासेस में स्टूडेंट काउंट बहुत हाई है, मतलब इसकी वजह से भी लर्निंग डिस्टर्ब होती है बच्चों में, एंटर ऐसी क्लासेस में लाइक वो आधा पौना घंटा पहले इसलिए सिर्फ आते हैं कि मैंने फ्रंट सीट पे जाके बैठा, अनदर टाइम वेस्टर, जो मैंने पहले टाइम वेस्टर ऐड बताए आपको उसके टॉप पे एक और टाइम वेस्टर आ गया, फ्रंट सीट पे जाके बैठने के लिए फाइट हो गई आप जब ज्वाइन, और फिर उसके बाद लाइक 80 to 120 और सम टाइम कुछ क्लासेस में 150 की स्ट्रेंथ हो गई। अब इमेजिन करें एक बच्चा जो है वो बिल्कुल लास्ट दौर में 150 की क्लास में बैठा पढ़ रहा है, आवाज भी उस तक धीमी आ रही है, राइट? तो उसकी लर्निंग की क्या सूरत हाल होगी, बिग टाइम प्रॉब्लम। फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट इज नॉट अप टू द मार्क, बच्चों को मसले ही रहते हैं, आज एसी नहीं चल रहा, आज सफाई ठीक नहीं है, व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा, व्हाइट बोर्ड पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, वगैरह वगैरह, राइट? सो कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स हैं और जिनके कोई परमानेंट सॉल्यूशंस भी नहीं है, अगेन। और उसके बाद फिर मेनी अदर रीजंस, मतलब सेटिस्फाई होने के लिए रीजंस थोड़ी हैं, डिससेटिस्फाई होने के लिए आपका रीजंस बहुत ज्यादा, राइट? यू नो अबाउट देम एज वेल। सो बहरहाल स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन हाईली वेरिएबल, और बहुत कम ऐसा रिमार्क मिलता है किसी रियल वर्ल्ड एकेडमी को कि ये सारी चीजें अप टू द मार्क, हर चीज ओके थी। अब बेस्ट जिस स्टूडेंट का कहीं में एडमिशन हुआ होगा ना, हमने तैयारी कहां से की थी, फलां जगह से, कैसा एक्सपीरियंस था, हाँ ये अच्छा था, इसमें ये मसला था, स्टिल ही वुड से दैट, क्योंकि वो मसले होते हैं और उन मसलों को मे बी उसने किसी और तरीके से ओवरकम किया होता है, बट प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर। मतलब मैंने इतने सारे सैकड़ों सेशंस रन किए एंट्रेंस, आई पर्सनली एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि कोई एक भी सेशन ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ जी मैंने प्रॉब्लम फ्री रन किया, एक भी, और ये ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, अगर वो क्लेम करता तो स्ट्रेट अवे झूठ बोल रहा है, दिस इज नॉट लॉजिस्टिकली पॉसिबल, राइट?
राइट। सो ये पांचवा प्रॉब्लम था।